डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं। आज क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथ्स में एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 7वें चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हम लोग एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे थे, चीजों को समझ पा रहे थे। हम लोग पिछले दिन विभाजन सूत्र को पढ़ा था कि विभाजन सूत्र क्या है, उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं कि 7.2 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहला बात, 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में पहला के क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए थे। आइए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए। बोल रहा है बिंदुओं 4-1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को। दोस्तों, दूसरा वाले सवाल में एक बिंदु है, एक रेखाखंड बन रहा है। एक रेखाखंड का जो बिंदु है वो 4-1 है, फिर है -2 और -3। इस दोनों बिंदुओं से एक रेखाखंड बन रहा है। अब बोल रहा है इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है दोस्त, यानी कि इसको तीन भाग में बराबर बराबर भाग में बांटना है। समत्रिभाजित का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि समत्रिभाजित का मतलब होता है उसको तीन बराबर भागों में बांटना। तो इस रेखाखंड को हम लोग क्या करेंगे, तीन बराबर भाग में बांटेंगे। तो तीन बराबर भाग में बांटने के लिए दो बार हमें कट करना पड़ेगा। ठीक है, दो बार कट करना पड़ेगा क्योंकि दो बार चाकू चलाएंगे तभी ना ये तीन खंड में बटेगा, नंबर एक खंड, दूसरा खंड और तीसरे खंड, और तीनों बराबर बराबर होगा। मान लिया जाए कि ये एक, ये एक, ये एक, तीनों एक एक का यूनिट में अलग अलग हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस P का भी निर्देशांक निकालना है कि यहां पे क्या भरा जाएगा। इसका मान लिया Q, इसका भी हमें निर्देशांक पता करना है। ठीक है, यानी कि हमें कुल मिलाकर देखा जाए तो P बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है और Q बिंदु का भी निर्देशांक निकालना है दोस्तों। ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि विभाजन सूत्र से कि अगर हमें अनुपात दिया रहता है और ये x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया। ठीक है, तो x1y1 और x2y2 और m1 m2 दिया हुआ रहे तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं p का निर्देशांक। तो फॉर्मूला था m1x2 + m2x1 / m1 + m2 / m1y2 + m2y1 / m1 + m2। ये हम लोगों का फार्मूला था। दोस्तों, यहाँ पे p का निर्देशांक भी निकालना है, यानी सवाल में हमें p का निर्देशांक भी निकालना है और दूसरा सवाल में, दो ही सवाल इसमें बोल रहा है, q का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब P का निर्देशांक कब ज्ञात करेंगे, जब हमें सब चीज पता हो। आप देखो, अगर आप P पर बैठोगे थोड़ा देर के लिए, जरा ध्यान से समझना, आप P पर अगर थोड़ा देर के लिए बैठेंगे तो ये जो रेखाखंड है वो दो भाग में बटेगा, एक ये और एक यहां से लेकर यहां तक। तो इधर कितना यूनिट हुआ, P तक के हुआ एक यूनिट। ठीक है, और P से लेकर अंतिम तक हो गया दो यूनिट, यानी हम बोलेंगे कि P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग कितना कितना अनुपात लेंगे, तो 1:2। ध्यान रखिएगा, P का निर्देशांक निकालने के लिए 1:2 लेंगे, जबकि दोस्तों अगर Q पे आप बैठिएगा तो यहां से लेकर यहां तक के कितना यूनिट, तो 1 और 1 2, यानी कि यहां से यहां तक के दो यूनिट मिलेगा। ठीक है,
और यहां से यहां तक का एक यूनिट मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप P का निर्देशांक निकालने के लिए, चूंकि ऐसे लिखिएगा, चूंकि X1 का वैल्यू कितना है दोस्त, तो X1 का वैल्यू 4 कॉमा Y1 का वैल्यू कितना है, तो Y1 का वैल्यू -1, फिर X2 का वैल्यू कितना है, तो X2 का वैल्यू -2, और Y2 का वैल्यू कितना है, Y2 का वैल्यू -3, और M1 का वैल्यू कितना है, तो P का निर्देशांक निकालने के लिए M1 का वैल्यू 1 और M2 का वैल्यू 2, यानी कि M1 1 हो गया और M2 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से आप P का निर्देशांक निकाल लीजिएगा, P का निर्देशांक निकाल लीजिएगा यहां से। फॉर्मूला क्या है विभाजन सूत्र का, दिखा देते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, इधर दिखा देते हैं आपको, अगर याद भूल रहे होंगे तो यहाँ पे अगर सब चीज दे दिया है, इससे आप P का कैसे फॉर्मूला से निकालेंगे, फॉर्मूला होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बटा में M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। दोस्त यहाँ पे आप सब चीज रख दीजिएगा, सबका वैल्यू और इसका निर्देशांक, ये कॉमा है तो कॉमा ही रहेगा, ठीक है, इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा, कॉमा का कॉमा ही छोड़ दीजिएगा और इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, तो एक हम लोगों को आंसर आ गया। ठीक है, एक पी का निर्देशांक पता चल गया, फॉर्मूला वही लगाएंगे, लेकिन फिर लिखिएगा इसको निकालने के बाद आप लिखिएगा, अब उसके नीचे जब पी का निर्देशांक अगर आ गया तो फिर लिखिएगा, अब एक्स वन का तो वैल्यू वही रहेगा, Y1 का वैल्यू वही रहेगा, X2 का वैल्यू वही रहेगा, Y2 का वैल्यू वही रहेगा, लेकिन दोस्तों M1 और M2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग किसका वैल्यू निकालने वाले हैं, Q का। तो Q कितना कितना के अनुपात में है, तो जब आप यहाँ बैठिएगा तो यहाँ से यहाँ तक के दो यूनिट की दूरी और यहाँ से यहाँ तक के एक यूनिट की दूरी, यानी कि 2:1, यानी Q का भी यही फार्मूला से निकालेंगे, M1 के जगह पे रखना होगा इस बार 2 और X2, X1, Y1, Y2 के जगह पे तो वही रखेंगे, यानी कि इस बार M1 के जगह पे 2 रखेंगे, M2 के जगह पे 1 रखेंगे, फिर से यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इस बार हमें दोनों का निर्देशांक पता चल जाएगा, एक P का और फिर से अभी जो अब करके निकालेंगे ये Q का निर्देशांक पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपको हम हिंट्स कर चुके हैं, अब आप इन्हीं हिंट्स से P का भी निर्देशांक निकालिए और Q का भी निर्देशांक निकालिए और फिर आंसर मैच कीजिए। अगर आंसर मैच नहीं करता है तो कहीं ना कहीं आपका प्लस माइनस में मिस्टेक है, आपको फिर से रिट्राई करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर हम आपके साथ हैं, आपको कोई भी सॉल्यूशन में गड़बड़ी होगा हम बताएंगे, लेकिन आपको ट्राई करने चाहिए। ठीक है, विभाजन सूत्र पे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का निकालना होगा। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे चेंज करके, तो हम लोग पी भी निकाल पाएंगे और क्यू भी निकाल पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन समय बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कैसे सवाल बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा देखिए। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, देखिए बोला गया ना कि एक स्कूल में एक आयताकार खेल का मैदान है, हम आयताकार खेल का मैदान बना दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक आयताकार खेल का मैदान है जिसका नाम क्या है भाई, तो ABCD, ए है, बी है, सी है और डी है। ABCD एक आयताकार खेल का मैदान है और इसमें एक खेल आयोजित किया जाता है, जैसा फिगर है, फिगर थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसा फिगर था, फिगर हम बना लिए हैं, क्रिएट कर लिए हैं, फिगर आपके सामने है। फिर क्या बोल रहा है,
चुनने से परस्पर एक मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। देखिए जो हम लोग जो चूना होता है ना, वो कौन सा चूना जो हम लोग रंगोली वगैरह बनाते हैं, वो चूना, तो उस चूने से ना एक धारी बनाया गया है, लाइन पारा गया है एक चूने से, जैसे एक आयताकार मैदान हो गया, और ये जो ब्लैक से हम लोग पारे हैं ना लाइन, ये एक चूना से लाइन पारा गया है। ठीक है, ऐसा ऐसा कितने कितने लाइन है जरा हम दिखा देते हैं। ऐसा 10 लाइन है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, ऐसा 10 लाइन है। ठीक है, चूना से क्या बोल रहे हैं, चूने से परस्पर एक मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। हाँ, ये वाला पंक्ति बनाया गया है एक एक मीटर की दूरी पर, मतलब एक, फिर दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, ऐसे करके एक मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखिए अब क्या बोल रहे हैं ना कि दूसरे तरफ इधर एक एक मीटर पर गमला रखा गया है, जैसे मान लिया यहां 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 यहां, ऐसे करके गमला रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि यहां पे एक 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 मीटर की दूरी पर दूसरे ओर गमला रखा गया है, यानी कि वही गमला जिसमें फूल पत्ती हम लोग लगाते हैं। तो ये गमला हो गया, इधर गमला हो रहा है, ठीक है, इधर एक एक मीटर की दूरी पर इधर से भी एक गमला, दो गमला, तीन गमला, ऐसे ही करके इधर गमला लगा हुआ है ढेर सारा। फिर क्या बोल रहे हैं, ऐसा करते 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 इधर कितना गमला रखा हुआ है भाई, तो यहां पे ना हम लोगों को 100 तक के गमला रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 100 गमला रखा हुआ है, जैसे एक गमला, दो गमला, तीन, चार, पांच, ऐसे ये कितना गमला रखा हुआ है, 100 गमला रखा हुआ है, जैसे कि आकृति में दिखा गया, ये आकृति है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में है, यानी कि पहला पंक्ति तो ये हो गया, दूसरा पंक्ति में कहीं निहारिका बैठी हुई है, यहां N4 निहारिका नाम दे दिया है, वहां पे फिगर बनाया है, तो दूसरा पंक्ति में निहारिका है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, निहारिका पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। देखिए अब बोल रहे ना कि AD, तो A से लेकर D तक के कितना दूरी हुआ, आप देख पा रहे होंगे ना कि 100 गमला रखा गया है, तो A से लेकर D तक के दूरी कितना हो गया, 100। लेकिन जो बोल रहा है कि AD में जो निहारिका दौड़ती है, या फिर आप ऐसे समझे, AD का मतलब आप इसको बोल देंगे कि ये X अक्ष है और इसको समझेंगे Y अक्ष, ऐसा समझ सकते हैं ना, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, तो वाई अक्ष में टोटल दूरी कितना है, 100। लेकिन जब निहारिका दौड़ना शुरू करती है, आगे की ओर दौड़ रही है, तो ये AD का 1/4 हिस्सा दौड़ रही है, यानी कि निहारिका जो है ऊपर कितना दौड़ रही है, तो 1/4, यानी कि 100 का 1/4, AD तो टोटल 100 है, उसका 1/4 दौड़ती है। अच्छा, फिर आगे पढ़ लेते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, यानी कि दौड़कर कहीं एक झंडा गाड़ देती है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, प्रीत जो है कहीं 8वें वाले पंक्ति में, यानी कि एक पंक्ति दो पंक्ति करके 8वें पंक्ति में कहीं प्रीत है, प्रीत का स्पेलिंग पी से स्टार्ट होता है, तो इसको पील बना दिया गया। ए भी जो है आगे की ओर दौड़ती है झंडा लेकर, लेकिन ये भी दौड़ रही है, ये भी दौड़ रही है, लेकिन ये जो दौड़ रही है ना, वो AD का 1/5 भाग से दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, ये जब दौड़ती है ना तो ये लाल झंडा गाड़ती है, यानी कि ये कहीं रेड, लाल झंडा,
और ये कौन सा झंडा गाड़ रही थी, तो ये हरा झंडा कहीं गाड़ेगी अपने ही रास्ते में ना, गाड़ेगी जब ऐसे जा रही है तो हरा यहाँ 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 कहीं भी गाड़ेगी, ये प्रीत जो है कहीं भी गाड़ सकती है लाल झंडा। तो बोल रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि मान लिया कि हरा झंडा यहां गड़ गया लाल झंडा यहां गड़ गया, कहीं भी गड़ सकता है ना भाई, कहीं भी गड़ सकता है, लेकिन इसी रास्ते में कहीं ना लाल झंडा गड़ेगा और इस रास्ते में कहीं हरा झंडा। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है, दोनों के बीच में दूरी निकालना है। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों मिलाने वाले रेखाखंड के बीचों बीच गाड़ना हो तो अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। बोल रहे हैं कि एक रश्मि है और रश्मि ये चाह रही है कि हमको हरा झंडा और लाल झंडा के बीच में हमको गाड़ना है कौन सा झंडा, नीला झंडा, तो उसको कहां गाड़ना चाहिए, तो ये भी पॉइंट्स को हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हरा झंडा को मान लीजिए पी, और पी तो मान चुके हैं ना प्रीति, प्रीत, हरा झंडा को ए, लाल झंडा को बी, नीला झंडा को हम मान लेते हैं सी, नीला झंडा को सी। अब हमें यहां पे क्या करना है, सबसे पहले तो सवाल जैसा बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी ए बी का मान निकालना है सवाल में, दूरी दूरी मतलब ए बी निकालना है। दूसरा बात कि दोनों दोनों झंडा यानी कि हरा झंडा लाल झंडा के बीचों बीच कौन सा झंडा गड़ा हुआ है, नीला झंडा, और नीला झंडा का भी हमें निर्देशांक पता करना है, यानी कि नीले झंडे का निर्देशांक या फिर बोल सकते हैं सी, क्योंकि इसका नाम क्या दिए हुए हैं, सी, सी भी हमें क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले आप निहारिका के लिए सोचिए कि निहारिका जो है कितना पंक्ति में दौड़ रही है, दूसरी पंक्ति में, तो निहारिका के लिए, निहारिका निहारिका के लिए अगर आप निहारिका के लिए अगर काम करते हैं तो दूसरा पंक्ति में है तो हम इसके निहारिका के लिए नाम क्या दिए हैं, पंक्ति ए, ए बराबर कौन से पंक्ति में निहारिका दौड़ रही है, दूसरी पंक्ति में, और पूरा एडी का एक बटा चार, तो ए से लेकर डी तक की कितना दूरी है, 100, तो 100/4 यानी कि हम इसको 2/2, ये कितना 25 बार में कटेगा, तो इसका जो निर्देशांक हो गया, इसका निर्देशांक हो गया 2 और 25। ठीक है, उसी तरीके से अब काम कर लीजिएगा प्रीत के लिए, तो अब यहां पे लिखिएगा प्रीत के लिए, प्रीत के लिए, तो प्रीत के लिए नाम क्या है इसका, लाल झंडा के लिए बी, तो बी जो है कितना पंक्ति में है, 8वें पंक्ति, तो यहां लिख देंगे 8, ये जो दौड़ती है प्रीत पूरा एडी का 1/5, तो एडी कितना है 100, और उसका 1/5 यानी कि 100/5, इस तरीके से 8 और 20 इसका निर्देशांक हो गया, क्योंकि 20-25 100 कट रहा है, तो 8 और 20 इसका निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो जब 8 और 20 इसका निर्देशांक हो गया तो दोस्तों अब हम ए बी तो आराम से निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है, ए का निर्देशांक हुआ 2/25 और बी का निर्देशांक हुआ 8/20, तो दोनों को बीच की दूरी नहीं निकाल लीजिएगा आप, दूरी सूत्र क्या था फार्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो आप ए बी भी निकाल लीजिएगा। और नीले झंडे का निर्देशांक, तो नीला झंडा कहाँ है, मध्य में ना, बीचों बीच ना, तो हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक तो सीखे हुए हैं, क्या होता है फॉर्मूला मध्य बिंदु से, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही होता है निर्देशांक। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले दूरी निकाल लीजिएगा ए बी का दूरी, ये हो गया x1 2 y1 25, x2 8 y2 20,
ठीक है, तो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू दोनों हमको दिया हुआ है, तो आप ए बी दूरी सूत्र से निकाल लीजिएगा जो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में पढ़े हैं, और फिर आप मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी कि सी का निर्देशांक आप निकाल लीजिएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बटा टू का इस्तेमाल करके, यहाँ एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग दोनों यहाँ पे चीजें आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये तीसरा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है जरा उसको सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में, तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है जरा देखिए, बिंदुओं माइनस तीन दस और छह माइनस आठ को जोड़ने वाला रेखाखंड, एक रेखाखंड है, अब ये दो बिंदु से जुड़ रहा है, पहला बिंदु का नाम क्या है माइनस तीन और दस, दूसरा कितना है छह कॉमा माइनस आठ, को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु माइनस एक छह किस अनुपात में विभक्त करेगा। देखिए बोल क्या रहा है ना कि एक बिंदु कहीं भी है, माइनस एक और छह दिया हुआ है इस बिंदु का नाम, कितना कितना माइनस एक और छह, ये बीच का बिंदु है, यहां हमें एम वन का वैल्यू भी निकालना है और एम टू का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है, दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि हमें एम वन एम टू का वैल्यू निकालना है कि किस अनुपात में हमें विभक्त करेगी। तो हम लोग क्या सीखते थे कि अगर यहाँ पे कोई बिंदु P होता था, कोई बिंदु P होता था तो P का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते थे, P का निर्देशांक बराबर अगर कुछ अनुपात में होता था तो फॉर्मूला लगाते थे ना हम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन बाय एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटा एम वन प्लस एम टू, ठीक है, ये चीजें हम लोग लगाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे P का निर्देशांक हमको ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, पहले से कितना दिया है माइनस एक कॉमा छ, ठीक है, माइनस एक कॉमा छ दे दिया है, तो हमें यहाँ पे M1 M2 का वैल्यू निकालना है, तो पहला क्या दिया है M1 का, तो M1 का छोड़ देंगे, X2 कितना दिया है तो X2 का वैल्यू छ प्लस M2, तो M2 भी निकालना है छोड़ देंगे, X1 कितना है माइनस थ्री बट्टा M1 प्लस M2 को वैसे ही छोड़ देंगे कॉमा M1 का M1 छोड़ देंगे, Y2 कितना है तो ये X1 Y1 में है, इसको हम बोलेंगे ये है X1 और ये है Y1, ये है X2 ये है Y2, ठीक है, तो हम लोग Y2, तो Y2 का वैल्यू कितना माइनस एट प्लस M2, तो M2 का तो मान निकालना है छोड़ देंगे, इंटू Y1, तो Y1 कितना है दस बट्टा में M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 ऐसे ही छोड़ देंगे। जब आप देखिए कि दोनों तरफ निर्देशांक है तो हम ये बोल सकते हैं दोस्त कि यहां यहां जब x निर्देशांक और x निर्देशांक कॉमा कॉमा बीच में है, कॉमा के पहले वाला और यहां भी कॉमा के पहले वाला दोनों चीज बराबर होगा, और कॉमा के बाद वाला छ है, कॉमा के बाद वाला इतना चीज है, तो आपस में ये भी चीजें बराबर होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 6 को M1 से गुना कीजिए 6M1 और प्लस माइनस माइनस 3M2 बट्टा M1 प्लस M2 बराबर में कितना माइनस एक, ठीक है, और माइनस 8M1 प्लस 10M2 बटा M1 प्लस M2, ठीक है, इसका कितने बराबर किसके बराबर होगा तो 6 के बराबर, बराबर में कर देंगे 6, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, और दोनों ही समीकरण से हम लोग
इसका यूज कर लेंगे। तो अब चलिए, अब आपको पास एम वन और एम टू का मान निकालना है, तो इससे चलेंगे और इससे चलेंगे। फिलहाल इसको सिंपल वे में हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, अब आप इससे चलिएगा तो लिखिएगा ना, चूंकि 6m1 माइनस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर में कितना है, माइनस एक। और जब इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बटा में एक और ये चल जाएगा उधर गुना होगा, तो यहां हो जाएगा। इसको जब एक से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो वही का वही रहेगा, यानी 6m1 माइनस 3m2 बराबर माइनस से गुना कीजिए, तो m1 को माइनस से गुना करेंगे माइनस m1 और m2 को माइनस 1 से गुना कीजिए माइनस m2। तो जब अब सब कुछ इधर आ जाएगा तो माइनस m1 भी इधर आ जाएगा, 6m1 माइनस 3m2, जब ये इधर आएगा तो प्लस m1, जब ये इधर आएगा तो प्लस m2, लेकिन अब उधर क्या बचेगा, कुछ नहीं तो जीरो। हम इसको बोलेंगे 6m1 और 1m1, तो 6 और 1 मिलके कितना हो जाता है 7m1, और माइनस 3m2 और प्लस m2, तो ये माइनस ज्यादा है, तो 2m2 बराबर में कितना, जीरो। इस समीकरण नंबर कितना हो गया, एक। ठीक है, अब ये समीकरण एक हो गया, वैसे ही फिर से चलेंगे, चूंकि अब की बार इसको पकड़ेंगे माइनस 8m1 प्लस 10m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर में कितना है 6, तो 6 बटा 1 लिख सकते हैं। इसको जब 1 से गुना करेंगे तिरछा तिरछे गुना, तो वही का वही रहेगा माइनस 8m1 प्लस 10m2, और जब इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 6 को m1 से गुना करेंगे 6m1, 6 को m2 से गुना करेंगे 6m2। फिर हम लोग क्या सीखे कि जो भी इधर की चीजें हैं सबको हम लोग बाएं तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस 8m1 प्लस 10m2, इसको उधर लाएंगे तो माइनस में 6m1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 6m2 बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो, क्योंकि इसको भी हम लोग इधर ला चुके हैं, इसको भी इधर ला चुके हैं, तो दोनों ही चीजें माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए यहाँ पे तो 8m1 और 6m1 दोनों माइनस में होगा, तो माइनस 8 और माइनस 6 कितना होगा, माइनस 14m1। ठीक है, और ये 10m2 में से 6m2 गया, तो कितना m2 बचेगा, 4m2 बराबर में जीरो। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप देख पा रहे होंगे समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्यूशन कर दीजिएगा, हम लोगों को यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोगों को 2 समीकरण आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे अब लिखिएगा, अब एक समीकरण क्या आया था, तो 7m1 माइनस 2m2 बराबर जीरो, और अभी आया माइनस 14m1 प्लस 4m2 बराबर जीरो। ये समीकरण एक है दोस्तों, ये समीकरण 2 है। तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण मैथ्स में पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें हम लोग बहुत सारे मेथड को पढ़े थे, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणन विधि। तो ये सभी में से कोई सा भी मेथड का यूज करके आप वहां एक्चुअली एक्स वाई होता था, इस बार m1 m2 है, तो आप यहां से चल के m1 का मान और m2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कोई सा भी विधि से निकाल सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि, या तो वज्र गुणन विधि, या भी कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण ही है, यहाँ x होता था यहाँ y होता था, तो m1 के जगह पे वहां x, तो यहाँ m1 m2 का मान निकालेंगे। जब m1 और m2 का मान निकल जाएगा तो हमें आराम से अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं,
और फिर अगले क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।